नमस्कार, घर का खाना सहायता खजाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरे प्याज की सब्जी। हरे प्याज की सब्जी जितनी खाने में अच्छी लगती है उतनी ही ये सेहत के लिए भी अच्छी होती है। इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होने के कारण इसे खाने से पाचन में सुधार होता है। हरा प्याज खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। इसके सेवन से चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियां भी खत्म हो जाती है। इसका हमें किसी न किसी रूप में सेवन जरूर करना चाहिए। हरी प्याज की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरी प्याज की सब्जी बनाने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं 1 किलो हरा प्याज। जब भी आप हरा प्याज खरीदें तब इसी तरह से साफ हरे पत्ते वाले प्याज खरीदें। ये देखिए, इस तरह से हरा प्याज काफी साफ और इसके पत्ते काफी हरे दिख रहे हैं, तो इसी तरह के प्याज खरीदें। तो सबसे पहले हम प्याज को छांट लेंगे। इस तरह से एक एक करके इसके ऊपरी सिरे को हम काट देंगे और इसके बाहरी छिलके को भी हम, अगर वो गंदा दिख रहा है तो उसे भी हम अलग कर देंगे। अगर बिल्कुल साफ है तो उसे निकालने की जरूरत नहीं है। और अब हम इसके पत्तों के सबसे नीचे वाले पार्ट को इस तरह से काट देंगे और प्याज को छांटने के बाद प्याज की ऊपरी सतह को हम इस तरह से चाकू के हाथ से काट लेंगे और साइड में रखते जाएंगे। इसी तरह से हम बाकी के सभी प्याज को छांट लेंगे। प्याज को हमने छांट लिया है। प्याज को छांटने के बाद अब हम प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे इस तरह से। प्याज को काटने के बाद अब हम इसे 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। प्याज को हमने अच्छे से धो लिया है और हमने यहाँ लिए हैं आलू करीब 1/2 किलो। इसको हमने धोकर इसके छिलके उतार के इस तरह से काट लिया है। और अब हम लेंगे एक पतीला और इसमें डालेंगे करीब 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। तेल को गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद गैस की आंच को कम कर लेंगे ताकि जो भी मसाले इसमें हम डालेंगे वो जले ना। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा हींग। कुछ सेकंड्स भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा। जीरे को भी कुछ सेकंड्स भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टुकड़ा बारीक कटा अदरक और इसे भी हम कुछ सेकंड्स भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 4 बारीक कटी हरी मिर्च और इसे भी थोड़ा हम भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे करीब 1.5 चम्मच नमक स्वाद अनुसार। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं।
और अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे आलू और इसे भी मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे हरा प्याज। पहले हम थोड़ा डालेंगे ताकि मसाला नीचे से जले ना। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम बाकी बचा हुआ प्याज भी इसमें डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक कर 10 मिनट तक तेज आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि प्याज पानी छोड़ता है। तेज आंच में सब्जी इसलिए पकानी क्योंकि प्याज पकते समय पानी छोड़ता है। सब्जी को तेज आंच में पकाने से सब्जी का जो अतिरिक्त पानी है वो जल्दी से सूख जाएगा और सब्जी खिली खिली करारी और अच्छी बनेगी। इसलिए गैस की आंच को सब्जी पकाते समय तेज कर दें और सब्जी को बीच बीच में चेक भी करते रहें ताकि सब्जी जले ना। 2 मिनट हो गए हैं, सब्जी चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था और प्याज ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया है। और अब इसे हम एक बार चला के अच्छे से फिर से ढक देंगे और तेज आंच में ही सब्जी को पकने देंगे ताकि प्याज और पानी ना छोड़े और इसके इतने छोटे पानी से ही सब्जी आराम से पक जाएगी। 10 मिनट हो गए हैं, सब्जी चेक कर लेते हैं। आलू को तोड़कर देख लेते हैं। देखिए आलू पक गए हैं, सब्जी बन गई है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब्जी बनकर तैयार है, गैस को बंद कर देंगे। अब हम सब्जी को एक बाउल में निकाल लेंगे। सब्जी बहुत ही मजेदार, चटपटी और खिली खिली लग रही है। देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब्जी कितनी टेस्टी होगी। आप इसे रोटी, नान, पराठा या दाल चावल के साथ या फिर चावल के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी हरे प्याज की सब्जी की रेसिपी, आप हमें कमेंट करके जरूर जरूर बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तो घर का खाइए, सेहत बनाइए और हमेशा फिट रहिए। नमस्कार।